भाई लोग, हम इंडियन ना बहुत चीजों में नंबर वन है। और एक ऐसा ही एक्टर है जो एक्टिंग में, डांसिंग में, फाइटिंग में नंबर वन है, और उसका नाम है गोविंदा उर्फ चीची मामा, जिनके चाल भी सेक्सी है और रुमाल भी सेक्सी है। तो चलो, अब डांस और कॉमेडी के किंग गोविंदा पर ही है अगला सवाल। सवाल है, गोविंदा ने ऐसी 7 फिल्में की हैं जिनके टाइटल में नंबर वन आता है, फेक या नॉट फेक। 90s में गोविंदा अलग ही फॉर्म में थे, जहां हमसे आज भी एक काम संभालना मुश्किल होता है। गोविंदा वहां एक साथ 49 फिल्मों में काम कर रहे थे, और तो और उन्होंने एक बार 36 घंटे में 14 फिल्में साइन कर दी। यहां आजकल के एक्टर लाइफ में नहीं कर रहे होते, इसको बोलते हैं स्वैग, और इसलिए गोविंदा थे उस दौर के नंबर वन एक्टर। वेल, गोविंदा की तरह आपकी भी किस्मत चमक सकती है अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। तो मैंने पूछा था, गोविंदा ने 7 फिल्में की हैं जिनके टाइटल में नंबर वन आता है, और आंसर है फेक। ये ना एक ट्रिकी क्वेश्चन था, गोविंदा ने 7 नहीं बल्कि 6 फिल्में की हैं जिसमें नंबर वन टाइटल था, और वो फिल्में हैं कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन, आंटी नंबर वन, बेटी नंबर वन और जोड़ी नंबर वन। और सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी रही नंबर वन, और प्रोड्यूसर भी लाइक, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली भाई साहब। लियोनार्डो डी कैप्रियो, तू कितना भी रेवेनेंट टाइप की अमेजिंग फिल्में कर ले, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड कर ले, तू कुछ भी कर ले, तू हमारे लिए तो वही रहेगा, टाइटैनिक वाला हीरो। क्या पिक्चर थी यार टाइटैनिक, आज भी देखता हूं ना तो आंसू निकल आते हैं। इतनी महंगी शिप, काश रोज ने जैक को इतनी सी जगह दी होती तो बेचारा डूबता नहीं, लालची औरत। खैर, इस डूबती कश्ती से अब आते हैं एक ऐसी कश्ती पे जिसने अमेरिका के लिए इतिहास रच दिया, और इसमें अगेन एक इंडियन टच है। सवाल है, अमेरिका का नेशनल एंथम एक शिप पे लिखा गया था, और यह शिप इंडिया में बनी थी, फेक या नॉट फेक। यार मुझे ना शिप से एक जोक याद आया, एक बार संता और बंता शिप से कहीं जा रहे थे, शिप डूबी नहीं फिर भी ये दोनों डूब गए, पूछो कैसे, नहीं पूछो, वो ऐसे कि शिप बीच में बिगड़ गई थी इसलिए वो दोनों धक्का मारने के लिए नीचे उतर गए। क्या जोक मारा है। चक दे फटे नब दे किली, सुबह को दूध शाम को चिकन चिल्ली, ओए होए 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 होए। एंड आफ्टर दैट वेरी 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 ऑफुल एंड बैड जोक, आंसर देने का टाइम आ गया है। मैंने आपसे पूछा था, अमेरिका का नेशनल एंथम एक शिप पे लिखा गया था, और ये शिप इंडिया में बनी थी, एंड द आंसर इज नॉट फेक। जी हाँ, अमेरिका का नेशनल एंथम स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था अमेरिकन लॉयर फ्रांसिस स्कॉट की ने। फ्रांसिस साहब एचएमएस मिडन शिप से ट्रैवल कर रहे थे, और एचएमएस मिडन शिप बनाई थी वाडियाज ने एट द डंकिन डॉक बॉम्बे। अमेरिका, यू आर वेलकम। 6 बॉल में 6 छक्के मार चुका हूं, विदाउट इंटर्नशिप करके जॉब पा चुका हूं, फुल वॉल्यूम पे अर्नब को सहन कर चुका हूं, दिल्ली की सर्दी में शॉर्ट पहन के घूम चुका हूं, पर आज तक, माइंड यू, आज तक जब कभी ट्रेन से सफर किया है ना, तो बाय गॉड पब्लिक टॉयलेट में मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है।